assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel study law with Pushtra. so we were discussing land revenue act 1967 we have discussed up till section 83 in this video we are going to start from section 84 but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion section 84 of land revenue act deals with the topic of transfer of holding हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसेसेस जिनके थ्रू एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकवर किए जा सकते हैं अभी तक हमने तीन प्रोसेसेस को डिस्कस किया है आज की इस वीडियो में हम चौथे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग होल्डिंग को ट्रांसफर करके एरियर्स की रिकवरी किस तरह से की जाती है सो so, इसकी क्लॉज वन कहती है एट एनी टाइम आफ्टर एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैज एकूव ऑन दी होल्डिंग किसी भी टाइम जब एरियस ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्रू हुए हैं मींस टू से जैसे ही उस जमीन के ऊपर बकाया जात हुए हैं लैंड रेवेन्यू के द कलेक्टर में ट्रांसफर द होल्डिंग टू एनी पर्सन कलेक्टर क्या कर सकता है वो होल्डिंग को ट्रांसफर कर सकता है यानी कि जिस लैंड के ऊपर बकाया जात है लैंड रेवेन्यू के उसको ट्रांसफर कर सकता है टू एनी पर्सन किसी भी पर्सन को अब वो पर्सन कौन होना चाहिए बीइंग लैंड ऑनर ऑफ द स्टेट इन विच सच होल्डिंग इज सिचुएटेड वो पर्सन लैंड ऑनर होना चाहिए उस स्टेट के अंदर किसी भी होल्डिंग का मीन्स टू से कि एक स्टेट है एक मोजा है उसके अंदर एक लैंड है जिसके ऊपर एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू है कलेक्टर उस एरियाज वाली जमीन को वहां के रहने वाले किसी भी लैंड ऑनर को ट्रांसफर कर सकता है जिसकी ऑलरेडी उस स्टेट के अंदर कोई ना कोई होल्डिंग है एंड प्लस कंडीशन क्या लगाई है नॉट बींग डिफॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ऑन होल्डिंग लेकिन वो पर्सन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी वो लैंड ट्रांसफर की जा रही है वो कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसकी अपनी जमीन के ऊपर बकाया जाते हैं और उसने वो गवर्नमेंट को पे करने हैं मत मीन्स टू से वो डिफॉल्टर ना हो बल्कि वो ऐसा बंदा हो जो अपनी जमीन के लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है

कि जब किसी जमीन पर बकाया जात होते हैं लैंड रेवेन्यू के तो कलेक्टर क्या कर सकता है उस लैंड को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी ऐसे पर्सन को जिसकी ऑलरेडी उस स्टेट के अंदर अपनी कोई होल्डिंग है लेकिन कंडीशन यह है कि वो पर्सन खुद डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उस पर्सन को इस लैंड की इस होल्डिंग की पोजिशन उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं की जाएगी जब तक कि वो इस जमीन से रिलेटेड एरियाज को पे ना कर दे गवर्नमेंट को आप इसी क्लॉज वन के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो क्या कहती है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शेल बी पास अंडर दिस सब सेक्शन फॉर दी ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग अनलेस द प्रोसेस इज स्पेसिफाइड इन दी क्लॉजेज बी एंड सी ऑफ सेक्शन एटी हैव फर्स्ट बीन टेकन अगेंस्ट द लैंड ऑनर अब ये प्रोवाइजो क्या कहती है कि इस सेक्शन के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग की बात की गई है इस ट्रांसफर ऑफ द होल्डिंग के प्रोसेस को उस वक्त तक नहीं अपनाया जाएगा जब तक सेक्शन 80 की क्लॉज बी एंड सी में बताए गए प्रोसेसेस को एडॉप्ट किया जाए अब सेक्शन 80 की क्लॉज बी एंड सी में क्या प्रोसेसेस बताए गए हैं सेक्शन 80 में अगर हम जाएं तो बी में कहा गया है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन एटी एंड सी में बताया है बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जब आपने अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला प्रोसेस एडॉप्ट कर दिया उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने वाला प्रोसेस एडॉप्ट कर दिया फिर भी एरियर्स की रिकवरी नहीं हुई फिर आप इस तीसरे प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे जो कि है ट्रांसफर ऑफ दी होल्डिंग यानी कि उन प्रोसेसेस को अडॉप्ट किए बगैर इस प्रोसेस को फॉरन एडॉप्ट नहीं किया जा सकता उसके बाद आ जाते हैं इस सेक्शन की क्लॉज टू के ऊपर क्लॉज टू क्या कहती है द ट्रांसफर मे एज द कलेक्टर थिंग्स फिट एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर इन विच द डिफॉल्टर पेज टू दरियर ट्रांसफर पेड बिफोर बींगशन ऑफ द होल्डिंग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट पॉलविंग दर अब इस क्लास के अंदर बेसिकली ट्रांसफर ऑफ द होल्डिंग का ड्यूरेशन बताया गया है कि कितने अर्से तक ये जमीन थर्ड पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है सो so, इसमें कहा गया है कि अगर तो एक एग्रीकल्चर ईयर खत्म होने से पहले अगर तो डिफॉल्टर ऑफ़ द लैंड रेवेन्यू पे कर देता है उस ट्रांसफरी को उस थर्ड पर्सन को जिसको ये होल्डिंग ट्रांसफर की गई है तब तो वेल एंड गुड तब तो उसकी प्रॉपर्टी फिर उसको रिस्टोर कर दी जाएगी लेकिन जनरली इस

पहली बात कि इस सेक्शन के अंदर कलेक्टर ने जो जमीन थर्ड पर्सन को ट्रांसफर की है वो इसकी रिपोर्ट किसको करेगा कमिश्नर को करेगा इलाका के और वो कमिश्नर फर्दर क्या कर सकता है एंड असाइड में ट्रांसफर और ऑल्टर कंडीशंस देयर ऑफ और पास सच अदर ऑर्डर इज ही थिंग्स फिट कमिश्नर रिपोर्ट मौसूल होने के बाद उसके पास ये पावर है कि वो इस ट्रांसफर ऑफ द होल्डिंग के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दे टोटली totally खत्म कर दे या फिर इस ट्रांसफर की कंडीशंस में किसी तरह की कोई चेंजेस कर दे उनको ऑल्टर कर दे या कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर दे जो कि उसको मुनासिब लगता है उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज फोर के ऊपर क्लॉज फोर क्या कहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द राइट एंड लाइबिलिटीजिंग अंडर दिस एक्ट द पर्सन टू होम द होल्डिंग इज ट्रांसफर शेल सब्जेक्ट टू दंडीशन ऑफ दर स्टेड इन दोजीशन इज दट इन विच द डिफॉल्टर वुड है अंदर बेसिकली राइट एंड लाइबिलिटीज की बात की गई है यानी के फराइज और हकूक की बात की गई है अब किसके फ्राइज और किसके हकूक उस पर्सन के उस थर्ड पर्सन के जिसको ये होल्डिंग ट्रांसफर की गई है कलेक्टर की तरफ से अब उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगे तो क्लॉज फोर कहती है उसके राइट्स और लाइबिलिटीज बिल्कुल वही होंगी जो के होल्डिंग ट्रांसफर होने से पहले उस डिफॉल्टर की थी अगर उसकी होल्डिंग को ट्रांसफर ना किया जाता तो उस वक्त जो उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज थी अब इस पर्सन की राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी वही होंगी जिसको ये लैंड ट्रांसफर कर दी गई है सिंपली के डिफॉल्टर so, की राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो अब इस थर्ड पर्सन की राइट्स एंड लाइबिलिटीज बन गई हैं उसके बाद लास्ट क्लॉज क्या कहती है द ट्रांसफर इज फॉर अ टर्म द होल्डिंग शेल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म बी री स्टोर्ड बाई द कलेक्टर टू द डिफॉल्टर फ्री ऑफ एनी क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसफरी फॉर एरियस ऑफ द लैंड रेवेन्यू और रेट्स एंड सेसेज ड्यू इन रिस्पेक्ट दियर ऑफ इस क्लॉज में कहा गया है कि जब ट्रांसफर को किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए किया गया है अब वो स्पेसिफिक टर्म क्या है पंद्रह साल तक हमने कहा कि होल्डिंग को ट्रांसफर किया जा सकता है तो जैसे ही ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा ट्रांसफर का यानी कि जैसे ही ये पंद्रह साल एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद तो कलेक्टर की तरफ से ये होल्डिंग रिस्टोर कर दी जाएगी मींस टू से कि जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद कलेक्टर इस जमीन को उसके रियल ऑनर को ट्रांसफर कर देगा फ्री ऑफ एनी क्लेम यानी कि अब इस पर किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से और यह जमीन टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद अब ना एरियस की कोई बात होगी ना गवर्नमेंट का कोई क्लेम होगा और डायरेक्टली ये लैंड जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी रियल ऑनर को मीन्स टू से जो डिफॉल्टर था सो so ये सेक्शन एटी फोर के अंदर तरीकाकार बताया गया था ट्रांसफर ऑफ दी होल्डिंग का उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 85 के ऊपर सेक्शन 85 बात करता है अटैचमेंट ऑफ द होल्डिंग की यानी कि अगर किसी होल्डिंग को अटैच कर दिया जाए तो एरियस की रिकवरी किस तरह से होगी और ये अटैचमेंट कौन करेगा अब इसकी क्लॉज वन को देखें तो क्लॉज वन कहती है द कलेक्टर में इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अंडर सेक्शन 84 फोर आ होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैड अक्रूव कॉज सच होल्डिंग टू बी अटेस्ट एंड टेकन अंडर हिज ऑन मैनेजमेंट और दैट ऑफ एन एजेंट अपॉइंट बाय हिम फॉर दैट पर्पज क्लॉज वन कहती है कि बजाय इसके कि कलेक्टर जो सेक्शन 84 के अंदर होल्डिंग को ट्रांसफर कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के लिए यानी कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर बकाया जात हैं लैंड रेवन्यू के बजाय इसके कि, कि कलेक्टर उसको किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करे वो उस होल्डिंग को अपनी पोजेशन में ले सकता है या तो उसको खुद मैनेज कर सकता है या उसके लिए कोई एजेंट अपॉइंट कर सकता है कि वो इस जमीन की मैनेजमेंट करे और इसके थ्रू गवर्नमेंट के एरियज को रिकवर करे उसके बाद आ जाते हैं क्लास टू के ऊपर द कलेक्टर और एन एजेंट शेल बी बाउंड बाय ऑल द एंगेजमेंट विच एग्जिस्टेड बिटवीन द डिफॉल्टर एंड हिज टेनेंट्स इफ एनी एंड शेल बी इंटाइटल टू मैनेज द लैंड एंड टू रिसीव ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स प्रोफिट्स देयर फ्रॉम टू द एक्सक्लूजन ऑफ द डिफॉल्टर अंटिल द एरियर हैज बीन सेटिस्फाइड और अंटिल द कलेक्टर रिस्टोर्स द लैंड टू द डिफॉल्टर क्लॉज टू कहता है कलेक्टर और इसके एजेंट या फिर उसका एजेंट जब इस होल्डिंग को अटैच कर देंगे यानी कि अपनी पोजेशन में ले लेंगे तो शेल का वर्ड यूज हुआ है उनके लिए कंपल्सरी है कि वो बाउंड हो जाएंगे किस चीज के लिए बाउंड हो जाएंगे कि उस जमीन के ऊपर उस डिफॉल्टर या उसके टेनेंट्स के दरमियान अगर किसी भी तरह की कोई एंगेजमेंट हुई है यानी कि कोई डीलिंग वगैरह हुई है तो उसके लिए ये कलेक्टर और इसका एजेंट बाउंड हो जाएंगे और साथ ही साथ इस जमीन से आने वाले जितने भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स हैं उसको डिफॉल्टर के बजाय अब ये कलेक्टर या उसका एजेंट रिसीव करेंगे उस वक्त तक जब तक के एरियर्स की रिकवरी नहीं हो जाती यानी कि जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद ये रेंट्स एंड प्रॉफिट्स फिर वो लैंड ऑनर रिसीव करेगा लेकिन जब तक एरियस रिस्टोर नहीं हुए एरियस की रिकवरी नहीं हुई या कलेक्टर ने जमीन वापस डिफॉल्टर को रिस्टोर नहीं कर दी उस वक्त तक उस जमीन से आने वाले जितना भी मुनाफा और जितने भी किराए वगैरह होंगे वो कलेक्टर या उसका एजेंट रिसीव करेंगे क्लॉज थ्री कहती है ऑल दी सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ दी लैंड अटैच बियॉन्ड दी कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट एंड दी अमाउंट नेसेसरी टू मीट दी डिमांड फॉर दी लैंड रेवेन्यू एंड रेट्स एंड सेसेस शेल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द एरियर के उस जमीन के ऊपर आने वाला जितना भी सरप्लस प्रॉफिट्स है यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है कौन सा प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट यानी के अटैचमेंट के ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है या उसकी मैनेजमेंट के ऊपर जितना भी खर्च आ रहा है या कोई भी प्रॉफिट्स जो उस प्रॉपर्टी से रिसीव हो रहे हैं उस लैंड से रिसीव हो रहे हैं कोई भी रेंट्स वगैरह इन तमाम चीजों को छोड़कर बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मुनाफा आ रहा है उस होल्डिंग से वो तमाम मुनाफा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ दी लैंड रेवेन्यू उसको भी एरियर्स में ही इंक्लूड किया जाएगा क्लॉस फोर क्या कहती है The land shall not be attached for the same area for the longer term than five years from the commencement of the agricultural year next following the date of attachment. But if the area is sooner discharged, the land shall be released and the surplus receipts, if any, made over to the landowner. अब इस क्लॉज के अंदर ड्यूरेशन ऑफ अटैचमेंट बताया गया है कि ये जो लैंड अटैच की जाएगी कलेक्टर जिसको अपनी पोजेशन में ले सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पांच साल के अरसे तक ले सकता है पांच साल के अरसे तक इस लैंड को अटैच किया जा सकता है उसके बाद अगर तो एरियर्स की रिकवरी हो जाती है इस पांच साल का अरसा गुजरने से पहले एरियस रिकवर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर इस होल्डिंग को अटैचमेंट से रिलीज कर दिया जाएगा इसके रियल ऑनर को रिस्टोर कर दी जाएगी और फिर इससे जो एक्स्ट्रा मुनाफा आ रहा है अब वो मुनाफा कौन रिसीव करेगा वो लैंड ऑनर रिसीव करेगा ऊपर हमने क्या कहा था रेंट्स एंड प्रॉफिट्स जो भी आएंगे वो कलेक्टर और उसका एजेंट रिसीव करेगा इसमें कहा है कि अगर पांच साल का सा गुजरने से पहले एरियस रिकवर हो जाते हैं तो फिर रेंट्स एंड प्रॉफिट्स के हकदार उसका अपना ऑनर होगा जो उस जमीन का पहले मालिक था मीन्स टू से जो डिफॉल्टर था सो so, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 84 और सेक्शन 85 के ऊपर हमने दो प्रोसेसिस को डिस्कस किया है कि अगर तो जमीन को ट्रांसफर कर दिया जाए थर्ड पर्सन को तो एरियस की रिकवरी किस तरह से होगी या अगर जमीन को अटैच कर दिया जाए तो उसके बाद एरियस को किस तरह से रिकवर किया जा सकता है दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर आई होप के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज